योगी आदित्यनाथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसके बाद उनके द्वारा शुरू कराए गए प्रयासों के नतीजे दिखने लगे हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार हासिल करने के मौके मुहैया कराएगा। कौशल विकास विभाग ने युवाओं के लिए अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के माध्यम से निःशुल्क ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इससे प्रदेश के युवा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ट्रेनिंग हासिल कर इंडस्ट्री के लायक बन सकेंगे। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश के 50,000 युवाओं को अमेरिका में स्थित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्से के जरिए प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था की है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन युवाओं को कोर्सेरा की ओर से सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग के अनुसार ट्रेनिंग के बाद युवाओं को मिलने वाले सर्टिफिकेट की मान्यता विश्व के कई देशों में है। इससे देश के युवाओं को विदेशों में जाकर नौकरी करने के अवसर प्राप्त होंगे। आभा ऐप बनाएगी आत्मनिर्भर। इसी कड़ी में कौशल विकास विभाग की ओर से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आभा ऐप को डेवलप किया गया है। इससे जुड़कर युवा अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ऐप में कई तरह के स्वरोजगार से जुड़े हुए वीडियोस भी अपलोड किए गए जिनसे युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ऑपरेटिव प्रमोशन स्कीम भी युवाओं को काफ़ी भा रही है। इसमें उद्योगों में ऑपरेटिव के रूप में काम करने वाले युवाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है। राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल के मुताबिक कोविड संक्रमण के दौरान प्रदेश में आए 38 लाख से अधिक श्रमिकों का भी कौशल विकास कार्यक्रम जारी है। इन श्रमिकों की आजीविका का प्रबंध कर उनके पैरों पर खड़ा करने का प्रयास कामयाब हो रहे हैं। श्रमिकों को रिकग्नाइजेशन ऑफ पीरियड लर्निंग RPL के तहत उनके ट्रेनिंग दिए जाने का काम तेजी से चल रहा है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।